नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आखिरी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स अब मार्केट में आ गई है। इस किताब में उन्होंने नोटबंदी से लेकर कांग्रेस नेतृत्व और इसकी कार्य प्रणाली जैसे तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही प्रणब मुखर्जी ने कई चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। मुखर्जी की माने तो अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मान गए होते तो पड़ोसी मुल्क नेपाल भारत का हिस्सा होता, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अपनी किताब में प्रणब मुखर्जी ने यह भी दावा किया है कि नेपाल भारत का हिस्सा बनना चाहता था और इसके लिए नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन वीर विक्रम ने बकायदा तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन नेहरू नहीं माने और उन्होंने कहा कि नेपाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र ही बने रहना चाहिए। यह कहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा का प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी की यह किताब उनके मरणोपरांत मार्केट में आई है। प्रणब मुखर्जी के अनुसार कांग्रेस यह नहीं समझ पाई थी कि अब करिश्माई नेतृत्व खत्म हो चुका है। अपनी किताब में उन्होंने कांग्रेस के कार्य प्रणाली पर भी कड़ा प्रहार किया है। प्रणब के अनुसार उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कांग्रेस का राजनीति पर से फोकस हट गया था। उन्होंने लिखा है कि संभवतः 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के तमाम कारणों में से एक यह भी कारण था। उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं का नाम लिए बगैर लिखा है कि किस तरह उनके घमंड और अनुभवहीनता ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के इस किताब में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल पर भी टिप्पणी की गई है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार पहले कार्यकाल में संसद को सुचारू रूप से नहीं चला सकी। अकुशलता के साथ साथ अहंकार भी इसका मुख्य वजह था। मुखर्जी ने यह भी लिखा है कि जब यूपीए सरकार में थी तब भी वो अक्सर विपक्ष के संपर्क में रहते थे और सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते थे। प्रणब मुखर्जी ने नोटबंदी के संबंध में भी अपनी टिप्पणी लिखी है। मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले पर उन्होंने अपनी बात को लिखा है। आपको बता दें कि देश में जब नोटबंदी लागू हुआ था तब प्रणब मुखर्जी ही देश के राष्ट्रपति थे। प्रणब के अनुसार उन्हें इस फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। किताब में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू करने के बाद उन्हें यह बात बताई। प्रणब मुखर्जी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने कभी उनसे कोई सलाह नहीं ली, जबकि नरेंद्र मोदी अक्सर उनसे सलाह लिया करते थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक प्रणब मुखर्जी को उनके राष्ट्रवादी विचार के कारण कई अवार्ड मिल चुके हैं। उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के नेता रहते हुए वित्त मंत्री भी रहे थे। उनके उदारवादी सोच के कारण विपक्षी पार्टी के नेता भी उनका सम्मान करते थे। आपको बता दें कि 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद संभाले हुए थे। पीएम मोदी से प्रणब मुखर्जी के बहुत अच्छे संबंध भी स्थापित हो गए थे। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में कई खुलासे किए हैं। हालांकि वो अब हम सबके बीच नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।